खरगोन जिले के सेगांवा क्षेत्रीय विधायक केदार सिंह डावर ने कोरोना वैश्विक महामारी के चलते प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को क्षेत्र की समस्याओं को लेकर एक पत्र लिखा है, जिसमें लॉकडाउन के बाद विद्युत बिलों को माफ़ किए जाने की मांग भी की है। किसानों के सिंचाई पंपों की बिल माफ़ हो, प्याज के भंडारण की व्यवस्था शासन द्वारा कम से कम 10 रुपये किलो में खरीदा जाए, अन्य प्रदेशों से वापस आ रहे मजदूरों के रोजगार के लिए काम शुरू करें और उन्हें मौके पर ही मजदूरी दी जाए, किसानों को कपास और मिर्च के बीज निःशुल्क दी जाए और पहाड़ी क्षेत्र में पेयजल संकट को तत्काल दूर करने की मांग की गई है। सेगांवा से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। जो पत्र लिखा उसने किन किन बिंदुओं पर पत्र लिखा गया? मैंने कोरोना महामारी के लॉकडाउन जब चालू हुआ, जब से जो लोग हमारे क्षेत्र के परेशान हैं, अपना भगवानपुरा विधानसभा क्षेत्र पूरा ग्राम पंचायत स्तर का क्षेत्र है और यहाँ पे पूरे ग्रामीण लोग रहते हैं, तो मैंने मांग की है मुख्यमंत्री जी की सिंगल फेज जो घरेलू विद्युत कनेक्शन है उनके सारे बिल माफ़ किए जाएं, किसानों के लिए रबी फसल तक जो विद्युत बिल सप्लाई लॉकडाउन के बाद से हो रही है उनको रबी फसल की आने तक पूरे विद्युत सिंचाई विद्युत बिल माफ़ किया जाए, कृषकों को बीज कपास और मिर्च अच्छी क्वालिटी के निःशुल्क वितरण किए जाए, पेयजल की बहुत सारी समस्याएं ग्रामीण क्षेत्र में 500 हेड पंप और सिंगल फेस मोटर पंप या पानी जल स्तर नीचे उसकी मांग की है, और जो बाहर से जो मजदूर अब आ रहे हैं उनकी रोज़गार तो वहाँ छीना है, यहाँ के लोगों को भी रोज़गार चाहिए, इसलिए मनरेगा और अन्य मद हैं उनसे भी काम चालू करके उनको तुरंत मजदूरी का भुगतान करने की व्यवस्था की मांग। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।